सब आनंद में। धर्म यानी, और आप सब आनंद में हैं तो मैं मानूं आप सब धर्म में हैं। परीक्षा कर लो फिर भी, अभी तक तुमने ये सीखा कि आनंद यानी धर्म और धर्म यानी आनंद। इसी बात को थोड़े और गहरे से आज सीख लो, समझ लो, सोच लो कि ये आनंद का कारण बाहर है या भीतर है। अगर आनंद का कारण बाहर है तो अभी भी धर्म नहीं है। हांगकांग बहुत अच्छा रहा, मलेशिया में बहुत मज़ा आया, सिंगापुर घूमने में बहुत मज़ा आया, इसलिए आप आनंद में हैं, तो ये धर्म नहीं है। चाहे कैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, अनुकूल था, प्रतिकूल था, लेकिन हम अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के अंदर बड़े ही तटस्थ रहे और इस वजह से आनंद आया, तो ये धर्म है। धर्म का अर्थ आनंद तो है, लेकिन ये आनंद पर आश्रित है, यानी पर के कारण आ रहा है, परिस्थितियों के कारण आ रहा है, या ये आनंद तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारी अपनी समझ में से उठकर आ रहा है, ये निर्णय करना होगा। उसके बाद लेबल करना कि ये आनंद धर्म वाला है या ये आनंद शुभ कर्म के उदय वाला है। शुभ कर्म का उदय आएगा तो भी तो आनंद दिलाएगा, अच्छे कर्मों का, पुण्यों का उदय आएगा, घर में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आएगी, अच्छी मिठाइयाँ आएगी, अच्छे लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। ये सब क्या है, कोई आपकी तारीफ करे तो आपको आनंद आए, आता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है, लेकिन किसी के तारीफ करने के कारण जो आनंद आता है उसे धर्म वाला आनंद नहीं कह सकते, इसे शुभ कर्म वाला आनंद कह सकते हैं। तुमने ज़रूर कोई शुभ कर्म किया था पूर्व में, उसका उदय आया और इसलिए आनंद आया, सुख मिला उस आनंद को, इसलिए मैं सुख कहती हूँ, हर्ष कहती हूँ। आनंद तो मैं उसी को कहती हूँ जब बाहर अच्छी परिस्थिति हो या बुरी हो, शुभ उदय हो या अशुभ उदय हो, अपने अनुकूल उदय हो या अपने से बिल्कुल विपरीत उदय हो, प्रतिकूल उदय हो, लेकिन फिर भी भीतर का वातावरण बिल्कुल संभाव में, शांति में, तटस्थता में, स्थित प्रज्ञ शब्द आएगा भगवद गीता के साथ, स्थित प्रज्ञता के अंदर रहता है तो उसको कहा जाता है आनंद। तो मैं वापस पूछती हूँ, आप सब आनंद में? आनंद में, अच्छा, फिर आप सब धर्म में है, और ऐसे धार्मिक जीवों की ही ये सभा है ऐसा मैं खुद मानती हूँ। धर्म यानी आनंद, और ये आनंद स्व आश्रित हो, पर आश्रित नहीं। जब भी तुम पर की का आश्रय लेते हो, क्योंकि तुम जीते हो इस परिस्थिति के अंदर, पर लोगों के अंदर, दूसरे पर यानी दूसरे लोगों के बीच, परिस्थितियों के बीच, समाज के बीच जी रहे हो, तो यानी कुछ ना कुछ आश्रय तो तुम्हारा सतत चलता रहेगा। तुम्हें अपने घर से भी यहाँ तक सत्संग हॉल तक आना है तो तुम्हें गाड़ी का आश्रय लेना पड़ेगा, तुम्हें अपने घर के लोगों के साथ का आश्रय लेना पड़ेगा, आश्रय यानी हेल्प, उनके आधार, आश्रय यानी आधार, उनकी हेल्प से ही आप लोग यहाँ तक आ पाते हैं। तब उनकी हेल्प के कारण यदि आप आनंद में है तो वापस ये आनंद शुभ कर्म का है, लेकिन यदि आप आनंद में इसलिए है क्योंकि आप परमात्मा स्वरूप ही हैं, ईश्वर का अंश ही है, या ऐसा कहें कि ईश्वर का पूरा पूरा साम्राज्य आपके अंदर भरा पड़ा है, या जैन आगम के आधार से कहें तो तुम पूरे ही परमात्मा हो, इस निर्णय के आधार पर आनंद में हो। ये बार बार ना अब जीवन में खोजते रहना। अभी तक तो मैंने तुम्हें यही कहा था कि धर्म यानी आनंद, लेकिन अब इस आनंद के बाद कश्मीर में आनंद आया तो फिर इसे क्या मानूं? सत्संगों में, सत्संगों में भी आनंद, यह भूल है। कश्मीर में भी आनंद और सत्संगों में भी आनंद, अब क्या कहें इसे, तुम बताओ। कश्मीर में आनंद, जंखिल प्रभु तुम्हें कहती हूँ, सौरभ प्रभु के लिए मैं कह सकती हूँ, हाँ वो कश्मीर में भी आनंद में हो सकते हैं, यहाँ पर भी आनंद में है, तो वो दोनों तरफ धर्म में है, उनको मैं समझ रही हूँ। तुम भी अब किस स्थिति में हो मैं पूछती हूँ, कश्मीर में भी आनंद,
होटल अच्छा था? अच्छा था, जहाँ घूमने गए मैंने देखी तुम्हारी चिट्ठी, चिट्ठी नहीं फोटो, वो बर्फ के बीच में बैठे थे तो माहौल बहुत सुंदर था, तो इसलिए आनंद। खाना पीना सब कुछ शेरे पंजाब में अच्छा खासा, शेरे पंजाब में ही है ना, वहाँ अच्छा खासा मिलता था, इसलिए आनंद। अब उसमें से समझ लो, देखो ये जितने भी आनंद है ना, ये संयोग से आ रहे हैं, क्योंकि खाने की जगह अच्छी थी, रहने की जगह अच्छी थी, तुम स्नो की एक्सपेक्टेशन करके गए थे कि वहाँ बर्फ़ मिलेगी, और बर्फ़ मिली गुलमर्ग में, तो तुम्हें वो गुलमर्ग की बर्फ़ देखकर आनंद आया। ये सब संयोग में से, बाहर की परिस्थितियों में से आनंद आ रहा है। ये परिस्थिति थोड़ी हिल जाए, मतलब बर्फ़ नहीं थी गुलमर्ग में, या बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि रास्ते गुलमर्ग के बंद हो गए थे, ये भी तो संभव है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, या खाना ऐसा मिल रहा था कि दूसरे ही दिन जाते तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। जो परिस्थिति के कारण तुम्हें सुख मिल रहा है, तुम्हें अनुकूलता फील हो रही है, तुम्हें मज़ा आ रहा है, ये सारा मैं यही समझा रही हूँ, ये धर्म का आनंद नहीं है, ये परिस्थिति का आनंद है। क्योंकि परिस्थिति के पलट जाने पर आनंद दुख में बदल जाएगा, हर्ष शोक में बदल जाएगा। इसलिए मैं आनंद शब्द नहीं यूज़ करती, हर्ष शोक में बदल जाएगा। बदलता है कि नहीं? तुमने जो जो कामना की हो कि हमें वहाँ जाके ऐसा ऐसा मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलना चाहिए, वो सब वैसा या उससे अच्छा भी हुआ, उसके कारण आप लोग बड़े बड़ा हैप्पी फील कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लिस नहीं है, ये परिस्थिति में से आया आनंद है। और परिस्थिति में से जो आ सकता है वो परिस्थिति में वापस जा भी सकता है, लेकिन आत्मा में से जो आनंद आता है वो वापस आत्मा में ही जाता है। और तुम हमेशा आत्मा रहने वाले हो, तो चाहे वो आए चाहे जाए फर्क क्या पड़ता है, तुम हमेशा आनंद में रहोगे। इसलिए फर्क महसूस करते जाना कि अभी तक तुमने ये सीखा धर्म यानी आनंद, तो तुम हर जगह आनंद ढूंढ लेते थे अपने लिए, लेकिन अब जगह के कारण आनंद नहीं, स्वयं के कारण आनंद, स्वयं की प्रतिक्रियाओं के कारण आनंद। कैसी भी सिचुएशन है, किसी ने तुम्हारे कहे खाना, तुम्हारा कहे ऑर्डर के अकॉर्डिंगली खाना नहीं भी दिया, तो भी अनटच्ड, अप्रभावित तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, और फिर जो आनंद आया ये तुम्हारा अपना आनंद है। लेकिन खाना ऑर्डर किया, बढ़िया खाना आया, और फिर खा के भी आनंद आया, ये कौन सा आनंद है? इसे मैं धर्म का आनंद कहूँ? ये कौन सा आनंद है? इसलिए कई बार शब्द समान हो सकते हैं, लेकिन उनका आशय बहुत बहुत भिन्न होगा, और इसी में हम लोग धोखा खा गए। मोहनीय कर्म को राजा कहा जाता है, राजा। उस मोहनीय कर्म के कारण ही हम कौन है ना ये समझ नहीं पाते कभी। कभी अपने आप को शरीर मान लेते हैं, मानते हैं कि नहीं? कभी अपने आप को संबंधी मान लेते हैं, इसका माँ, इसकी माँ, इसका पिता, इसकी मासी, इसकी चाची, ऐसे अलग अलग संबंध मान लेते हैं। और फिर जैसा संबंध मानते हैं, उस संबंध के अंदर जैसी दरारें या जैसा सुधारें होती है, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मान लेते हैं, ऐसा मानते हैं कि नहीं? ये मोहनीय कर्म का खेल है जो तुम्हें अभिप्राय ही सही नहीं बैठाने देता कि तुम हो कौन। तुम ये सपना नहीं हो, तुम ये गौतम नहीं हो, तुम इस गौतम में रहे कौन हो? अष्टावक्र और उसके अपेक्षा से देखे तो ईश्वर के अंश हो, और अगर ये जिन आगम के हिसाब से देखे तो स्वयं सिद्ध परमात्मा जैसे जीव हो। मोहनीय कर्म तुम्हें ये निर्णय ही नहीं करने देगा कभी। और ये मोहनीय कर्म टूटेगा कैसे? टूटेगा कैसे? मोहनीय कर्म के भी दो भाग है, लिखो तो स्वाति प्रभु जरा। चलो बैठो बैठो, बैठो। मोहनीय कर्म के भी दो भाग है, पहला दर्शन मोहनीय जैन शास्त्रों के अनुसार, और दूसरा चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का अर्थ क्या होता है समझो पहले। दर्शन किसे कहा जाता है? इधर की अपेक्षा, दर्शन का मतलब होता है मान्यता, और मोहनीय कर्म है इसलिए मान्यता की भूल, तुम्हारी मान्यता की भूल। तुम अपने आप को सपना मान बैठी, तुम अपने आप को किसी की माँ मान बैठी, इसलिए बेटा दुखी तो माँ दुखी, बेटा सुखी तो माँ सुखी।
सपना के शरीर में रोग आया तो तुम दुखी, सपना के शरीर में से रोग चला गया तो तुम सुखी, ऐसा ही होता है ना। तुम्हारी मान्यता की भूल जो है, तुम अपने आप को तुम हो क्या और तुम मान क्या रहे हो। तुम हो जिन आगम या कोई भी अध्यात्म शास्त्र क्या कहेंगे, तुम हो तो ये जीव कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, तुम हो तो यही, बिल्कुल। लेकिन उसके ऊपर जो कवरिंग है ये सपना की, मैं आज सपना का नाम लिख रही हूँ, सपना की कवरिंग है, तुम अपने आप को ये मान बैठी हो, तुम हो क्या। ये कवरिंग्स बदलती रहेंगी, कभी तुम ये वस्त्र पहनोगे, कभी दूसरे पहनोगे, कभी तीसरे, कभी चौथे, कवरिंग्स बदलती रहेगी। लेकिन उस कवरिंग के अंदर जो एक्चुअल तुम हो वो क्या बदल जाता है? नहीं बदलता कभी। अब मोहनीय कर्म क्या करता है, जो ये कवरिंग्स है ना, इस कवरिंग में अपनापना मनवाता है जबरदस्ती। ये मोहनीय कर्म का काम ही इतना है। बार बार जैन शास्त्रों में निशा प्रभु आप पढ़ते रहेंगे, मोहनीय कर्म, मोहनीय धोखा देता है, मोहनीय कर्म राजा है, राजा मरा तो बाकी सैनिक अपने आप रिटायर हो जाते हैं। कितनी बार जैन शास्त्रों में आएगा मोहनीय 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 शब्द, आता है कि नहीं? ये ज्यादा जैनों की सभा है इसलिए आएगा। लेकिन इस मोहनीय कर्म ये करता क्या है, ये तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन में मिस्टेक करा देता है। तुम कौन हो ये मिस्टेक करा देता है। तुम्हारे घर का नंबर क्या है, क्या है तुम्हारे घर का नंबर? घर का हाउस नंबर कुछ होगा ना। मान लो 100 नंबर का घर है तुम्हारा, 100 नंबर का घर है, उसकी जगह तुम्हें बार बार मनवाता है। कभी एक मनवा देगा, कभी 200 मनवा देगा, कभी 50 मनवा देगा, कभी 99 मनवा देगा, लेकिन 100 नंबर का घर मेरा है ऐसा नहीं मानते। अब आप 99 नंबर का घर मानकर भी उस घर में जाओ तो वहां से थोड़े समय में धक्के मार के निकाले जाओगे कि नहीं? ओनली गारंटी धक्के नहीं मार के निकाले जाने की कहाँ है? और वो 100 नंबर का घर यानी तुम्हारा अपना, तुम कौन हो, ये जीव तत्व, ये परमात्मा तत्व। बाकी सब जगह जहां भी तुम इसे मेरा मानोगे, मैं मानूंगा मानोगे, वहां से धक्के मार के निकलवाए जाओगे। और ये मैं और मेरा मानने की भूल होती क्यों है, उसका कारण क्या है? दर्शन मोहनीय, प्रिसाइज। अभी तक मैं मोहनीय मोहनीय बोल रही थी, लेकिन अब हम थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं। मोनिया बोलो तो भी चलेगा, लेकिन और प्रिसाइज और स्पेसिफिक बात करें तो दर्शन मोहनिया। दर्शन का मतलब क्या है? मान्यता, परसेप्शन। तुम्हारी परसेप्शन की भूल हो रही है, तुमने गलत आइडेंटिफाई कर लिया है। मैं किसी की तुम्हारी चुन्नी को अपनी चुन्नी मान लूं, अब क्या होगा? थोड़ी देर तक तो सब ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद झगड़ा शुरू होगा, लाओ लौटाओ, या मेरे अंदर झगड़ा शुरू होगा, अरे रे मैंने कैसे इसकी ले ली, मेरे से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। ये भूल हो किस कारण से रही है? क्योंकि मेरा क्या है इसके ऊपर हमने कभी दृष्टि दी ही नहीं, उसका निर्णय ही नहीं हुआ। पूरे अध्यात्म शास्त्र, जितने भी अध्यात्म शास्त्र है, वो मोहनीय कर्म को हटाने में मदद करते हैं। और उसमें भी कौन से मोहनीय कर्म को? दर्शन मोहनीय, ये याद रखना। चारित्र मोहनीय कोई नहीं हटवा सकता, इवन वैसे कहूँ तो दर्शन मोहनीय भी कोई नहीं हटवा सकता। मैं केवल समझा सकती हूँ, समझना न समझना तुम्हारे अपने बस की बात है। इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग एक जैसा समझ रहे हैं क्या अभी? और ऐसा कभी भी नहीं होता। एक ईश्वर का ही कंसेप्ट समझाया जा रहा होगा, एक माया का ही कंसेप्ट समझाया जा रहा होगा, समझाने वाला एक है, लेकिन जितने समझने वाले हैं उतनी अलग अलग ढंग से समझ उन तक पहुंच रही है, होता है कि नहीं? इसी तरह यहां पर भी इस मार्ग पर तुम्हारी इस मान्यता की भूल क्या हो रही है, मान्यता की क्या मिस्टेक हो रही है, वेयर योर परसेप्शन इज गोइंग रॉन्ग, ये कोई समझा सकता है। लेकिन समझना न समझना टोटली तुम्हारे ऊपर है। और ये तुम्हारे ऊपर भी कब कब है? देखो 100 नंबर का घर है। अब तुमने केवल 99 नंबर के घर को अपना माना है तो तुम्हारे लिए समझना आसान है। लेकिन किसी ने 1 नंबर के घर को भी माना है, 5 को भी माना है, 25 को भी माना है, 200 को भी माना है, 250 को भी माना है, जिसने अलग अलग जगह अपनापन कर रखा है, उसके लिए समझना ज्यादा कठिन है कि नहीं? जिसने खाली एक गलत घर को अपना मान लिया है वो तो थोड़े सत्संगों में
सुधर जाएगा, संभल जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन जिसने बहुत जगह ऐसी अपनी अपनापन कर रखा है, ये घर मेरा है, ये मेरा है, ये सगा मेरा है, ये संबंधी मेरा है, वहाँ वहाँ पर जब तक वो दुख नहीं खाता, दुख के साथ साथ क्रोध, दुख के साथ साथ रिबेल और कितना कुछ उसका शुरू हो जाता है, जब तक वो सब नहीं आता तब तक उसी के अंदर भटकता रहता है। ये तुम्हारा दर्शन मोह कैसे कम होगा? कैसे कम होगा? सत्संग, खूब खूब सत्संग। चार बातें शास्त्र कहते हैं, खूब खूब, जब दो बार लिखा जाए इसका मतलब तुम्हें पता है? हाँ, जब दो बार कोई बात लिखी जाए उसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस, बारंबार। दूसरा, विचार पूर्वक की का विश्वास, यानी विचार पूर्वक के विश्वास को हम क्या कहते हैं? बोलो बोलो, ठीक बोल रहा है कोई? श्रद्धा, वेरी गुड, इज इक्वल टू श्रद्धा। इसलिए मैं ना पूरा लिख रही हूँ ताकि आपको श्रद्धा की डेफिनेशन पता चले। श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता कि मैंने कहा और तुमने मान लिया, या बहुत लोग मान रहे हैं इसलिए तुमने भी मान लिया। नहीं, जो मैंने कहा उसके ऊपर विचार करना, हर डायमेंशन से विचार करना, और फिर तुम्हारे अपने विश्वास तक तुम जब तक नहीं पहुंचते, विचार पूर्वक का विश्वास इज इक्वल टू श्रद्धा। ये दर्शन मोहन, ये मान्यता की भूल जो है, ये कैसे जाएगी? खूब खूब सत्संग चाहिए, नंबर टू विचार पूर्वक का विश्वास चाहिए, नंबर थ्री प्रेम चाहिए। किसके लिए? किसके लिए पहले? किस हायर के लिए? अच्छा, मुझे लगा पूरी कायनात के लिए, ऐसा सुना मैंने, वो भी चलेगा। हायर के लिए होना ज़्यादा ज़रूरी है, पहला स्टेप ये है, हायर के लिए होगा तो पूरी कायनात के लिए अपने आप आएगा ही। किसी एक के भरोसे अपने बाकी सारे मत, अपने बाकी सारे अभिप्राय, अपनी बाकी सारी मान्यता को छोड़ने की तैयारी जब तुम्हारी होगी, तभी तो तुम्हारा दर्शन मोह कम होगा। और वो किस एक के भरोसे छूटेगा? सदगुरु। और वो सदगुरु के प्रति प्रेम होगा ना, वो छिड़वाएगा, सत्संग नहीं छुड़वाएगा। सत्संग चाहे तुम कितने भी अटेंड कर लो, लेकिन अगर तुम्हें सतपुरुष के प्रति प्रेम ही नहीं है, चाहे आप कितने भी सत्संग अटेंड कर लो, लेकिन यदि सदगुरु के प्रति, सतपुरुष के प्रति प्रेम ही नहीं है, प्रेम का मतलब जैसा आपके पास है वैसा मुझे भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये परिभाषा अष्टावक्र गीता में कही थी। अब नारद भक्ति के आधार पर क्या कहेंगे? जब तुम जिसके प्रति भी निष्काम कर्म से भर जाते हो, तन से, मन से, धन से, आत्मा से, जब जिसके प्रति निष्काम हो जाते हो, वो हायर होना चाहिए, तुमसे गुणों में ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। तुमको हम अपने व्यापारी के प्रति बड़े निष्काम भाव से भरे हैं, वो नहीं चलेगा, तुमसे ज़्यादा शुद्ध है। तुमको हम अपने पड़ोसी के प्रति निष्काम भाव से भरे हैं, तुमसे ऊंचा हो, शुद्ध हो, आत्मिक गुणों से संपन्न हो, उसके प्रति जब तुम्हें प्रेम होगा। और चौथा कहा शास्त्रों ने, अर्पणता, जैसा वो कहते हैं वैसा करने की तत्परता, अपनी बुद्धि को साइड में रख के निर्णय, जो वो कहे वही राइट है, बस मुझे अब चल पड़ना है। अगर अभी तक तुम कभी अमेरिका नहीं गए और पहली बार अमेरिका जाना है, तो जो तुम्हारा टूर ऑपरेटर होगा वो जैसा कहेगा कि सुबह 8 बजे उठने का है, सुबह 6 बजे उठने का है, तो तुम वैसा करोगे कि कहोगे नहीं जी, हम मसूरी में तो 9 बजे उठते थे, अब हम यहाँ आके न्यूयॉर्क में 8 बजे 6 बजे कैसे उठे, तुम कहोगे क्या? जहाँ तुमने जिसके पीछे चलना निर्णय कर लिया, तो फिर जो वो जैसा कहता है बस उस तरह तुम्हारा जीवन चलते रहना चाहिए। जब ये चार चीज़ें तुम्हारे जीवन में आएगी, तो ये डायरेक्ट तुम्हारी मान्यता की जो भूल है ना, इसको खंडित करती जाएगी। बार बार उस पर प्रहार होगा, बार बार। और जितना मान्यता की भूल पर प्रहार होगा, उतना क्या, कौन सा कर्म तुम्हारा कम होगा? दर्शन मोहनिय। और ये दर्शन मोहनिय मुख्य है। वापस आत्मसिद्धि में कृपाणुदेव ने कहा ना, कर्म मोहनिय भेद बे दर्शन चारित्र नाम, हणे बोध वितरागता अचूक उपायम। इन दोनों में ऊपर से मेन कौन सा आया? दर्शन मोहनिय। दर्शन मोहनिय जाएगा, उसके बाद चारित्र मोहनिय तो धीरे धीरे जाता है। अभी हम जो सत्संग कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर चल रहा है उत्तराधन सूत्र का? कौन सा चल रहा है? तीसरा, चतुरंगीय, क्या बोल रहे हो तुम लोग? थर्ड। हाँ, आज मेरे को कुछ
ऐसा सुनाई दे रहा है। थर्ड चैप्टर, तीसरा अध्ययन चल रहा है चतुरंगिया के अंदर। चार कौन कौन से दुर्लभ अंग बताए? पहला मनुष्य जीवन, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा तीनों किसमें आए, किसमें आ गए? ये जो बताया है, ये चार उपाय बताए हैं, पहले तीनों तो तुम्हारे इसी में आ गए। मनुष्य जीवन है तुम्हारे पास, श्रवण है तुम्हारे पास, और श्रद्धा है, क्योंकि विचार भी किसका करोगे? जिसका श्रवण किया है उसी का। तो विचार पूर्वक का विश्वास करने को कहा है, तो विचार करने के लिए भी क्या चाहिए? वचन चाहिए किसी ज्ञानी के, और वो ज्ञानी का वचन यानी श्रवण आ गया। पहली तीन दुर्लभताएं कौन सी? मनुष्य जीवन, दूसरी श्रवण, तीसरी श्रद्धा। ये तीनों जैसे जैसे तुम्हारे बढ़ते जाएंगे, सीधा दर्शन मोनिय के ऊपर प्रहार होता जाएगा। दर्शन मोनिय जैसे जैसे मंद होता जाएगा, तुम्हें सामने निर्णय होता जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये 100 नंबर की कोठी में नहीं रहती, मैं ये 99 नंबर में नहीं रहती, मैं 100 में रहती हूँ। जैसे जैसे दर्शन मोनिय कम होगा, तुम्हारा निर्णय जो अभी तक तुम्हें शरीर मनवा रहा है, तुम्हारा निर्णय जो अभी तक तुम्हें संबंध मनवा रहा है, तुम्हारा निर्णय जो अभी तक तुम्हें ये विचार मनवा रहा है, ये विचार तो मेरे हैं ना, लोग मुझसे आगे पूछते हैं क्रोध तो मेरा है ना, अरे भाई वो क्रोध भी तुम्हारा नहीं है, शुद्ध न तो क्या कहते हैं, ये क्रोध भी तुम्हारा नहीं है, तुम केवल उस क्रोध को जानने वाले हो, और कुछ तुम हो ही नहीं सकते कभी। तो दर्शन मोहनीय जैसे जैसे मंद होता जाएगा, वैसे तुम्हारी दृढ़ आस्था तुम जो हो ना उसमें होती जाएगी, और फिर तुम जो हो वो पूरा पूरा सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी सुख से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, वहां से तुम्हें कभी भी कोई भी निकाल नहीं सकता। जब तुम्हारा ये दृढ़ निर्णय हो जाए कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर कौन सा है, तब तुम विश्राम के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए 100 नंबर की कोठी में जाओगे कि 99 में? 100 में। जैसे जैसे खूब खूब सत्संग होंगे, तुम्हें चाहिए क्या अभी? तो खूब खूब सत्संग, उसके बाद विचार पूर्वक का विश्वास यानी श्रद्धा, उसके बाद प्रेम, और उसके बाद अर्पणता। ये चार होंगे, यानी उत्तराध्ययन सूत्र के हिसाब से तुमने तीन दुर्लभताओं को कवर कर लिया, और उसके बाद ये तीन दुर्लभताएं जब तुम्हारे जीवन में आती है तो दर्शन मोहनीय तुम्हारा मंद पड़ता है। ज्यों ज्यों दर्शन मोहनीय मंद पड़ता है, त्यों त्यों तुम्हें अपने आत्मा होने की, अपने परमात्मा होने की, अपने जीव होने की, अपने ईश्वर होने की बात पर विश्वास, अनुभव पूर्वक का भरोसा, विश्वास, श्रद्धा, आस्था जो भी कहो वो होने लगता है। और उसके बाद ये चौथा अंग क्या है अपना? संयम। हाँ, सम्यक पराक्रम या संयम जो भी कह दो। तीन अंग तुम्हारे दर्शन मोहनीय पर प्रहार करेंगे, और चौथा अंग संयम जो है वो तुम्हारे चारित्र मोहनीय पर प्रहार करेगा। ये सारे साथ साथ में ही उगते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले पहला, दूसरा, तीसरा आ जाएंगे, उसके बाद सालों बाद चौथा आएगा, ऐसा नहीं होता। मैं कई बार पहले भी कहती हूँ कि जब तुम किसी हायर के प्रति प्रेम में होते हो, समझो, सुनो ध्यान से, हर बार इस बात को बहुत ध्यान से समझना, जब तुम किसी हायर के प्रति प्रेम में होते हो, जब तुम किसी सद्गुरु के प्रति प्रेम में होते हो, अभी तुम मेरे प्रेम में यहाँ आयो, मेरे प्रेम में यहाँ आयो, ऐसा मैं कहूँ, या सत्संगों के प्रेम में यहाँ आयो, अब तुम यहाँ हो तो तुम्हारी पीठ कहाँ है अभी? तुम्हारे घर के लोगों, तुम्हारे दोनों बच्चों के प्रति पीठ, तुम्हारे पति के प्रति पीठ, तुम्हारे सभी घर के कामों के प्रति पीठ। जब तुम किसी हायर के सन्मुख हो, ध्यान से सुनो, तब तुम्हारी स्वाभाविक रूप से पीठ जगत को हो गई है अभी। ये जगत को पीठ किसी हायर के प्रेम में जो होती है, इसी को संयम कहा जाता है, इसी को त्याग कहा जाता है, इसी को वैराग्य कहा जाता है। अलग अलग परिभाषाएं आएंगी, लेकिन हर परिभाषा इसी तरफ जाएगी। अभी तुमने हायर से प्रेम किया है, इस वजह से तुम यहाँ बैठे हो, तो तुम्हारा यहाँ बैठना स्वाभाविक रूप से आपो आप बड़ी सहजता से घर छूट गया। ये घर का छूटना संयम है। लेकिन कश्मीर घूमने जा रहे हो, अभी मुझे ये लोग एयरपोर्ट पे मिल गए, मलेशिया, हांगकांग वाले,
ये भाई साहब ने कश्मीर की फ़ोटो डाली, मुझे पता चल गया ये कश्मीर हैं, घूम रहे हैं, और सारे घूम रहे होंगे कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब तुम कश्मीर घूमने जाओ, नहीं तुम हांगकांग घूमने जाओ, और बच्चे छूट गए घर पे, संयम में डालूं इसे मैं, त्याग में डालूं इसे मैं, वैराग्य में डालूं? लेकिन फिर भी सौरभ प्रभु जैसे लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ, वो वहां पर भी धर्म वाले आनंद में थे। आनंद था धर्म वाला, यानी दर्शन मोहनिया पर प्रहार हुआ, लेकिन चारित्र मोहनिया के खाते में काम नहीं हुआ कुछ। समझो कर्मों का कैलकुलेशन। यहां पर तुम हो तो दर्शन मोहनिया के खाते में भी काम चल रहा है और चारित्र मोहनिया के खाते में भी काम चल रहा है, मैथमेटिक्स ऑफ कर्मा। लेकिन तुम्हारे कश्मीर, हाँ तुम मुझे कश्मीर साथ में ले जाओ, जो जहां वेकेशन मनाए वहां साथ में मुझे ले जाए तो बात कुछ पलट सकती है, या फिर मेरे वेकेशन में तुम सभी आ जाओ जैसे सेडोना आ ही रहे हो तुम सब, तो फिर दर्शन और चारित्र दोनों में काम चलेगा। क्योंकि तुम जब सेडोना आओगे तो तुम्हारे यहाँ के घर गृहस्थी संबंध क्रॉकरी ज्वेलरी सब छूटेगी। यहाँ 20 किलो अलाउड होता है, 23-20 कितना है, 23 किलो अलाउड होगी। कितनी ज्वेलरी लेकर जाओगे, इतने बड़े बड़े हार पहन के घूम रही थी उस दिन वहाँ, शादी की सालगिरह थी इसलिए, ठीक है ऐसा कुछ वहाँ तो लाओगी नहीं, ये तो पक्का ही है। हाँ 5 किलो उससे नहीं होगा, वहाँ वॉशिंग मशीन भी नहीं होते और काम वालियाँ भी नहीं होती। मतलब वॉशिंग मशीन तुम्हें शायद होटलों में मिल जाए, काम वालियाँ तो होती नहीं, तो सोच लेना वो तुम्हारा चॉइस है। लेकिन जब तुम यहाँ से जाओगे किसी हायर पर्पस के लिए, अब अपनी सेडोना रिट्रीट को भी प्लान करना, तुम हायर पर्पस के लिए आ रहे हो फिर आसपास में घूमना फिरना हो जाएगा, या तुम घूमने फिरने आ रहे हो तो साथ साथ में हम 2 दिन प्रभु के शिविर भी अटेंड कर लेंगे वहाँ पर, तो देखना तुम्हारा कर्म कैसे कैलकुलेट करेगा, तुम देखते जाना। लेकिन यदि तुम सेडोना रिट्रीट के लक्ष्य से आ रहे हो, यदि तुम हायर के कारण आ रहे हो, उसके प्रेम के कारण आ रहे हो, उसके पास आजू बाजू रहने आ रहे हो, क्योंकि वहाँ कुछ नया तो तुम्हें समझाना ही नहीं मुझे, जो तुम समझ चुके हो ऑलरेडी इन COM में, और आगामी अपने ये लास्ट शिविर है ना COM की 29 तारीख को, और उसके बाद जयपुर के शिविर में जो तुम समझे होगे उसी की पुनरावृत्ति है वहाँ पे, उसी की रेपिटेशन है। वहाँ के लोगों को भी तो धीरे धीरे अपग्रेड करना है, ये सब सिखाना समझाना है, तो तुम लोग कुछ नया सुनने जानने तो आ नहीं रहे, यही ध्यान मेरे साथ वहाँ करने आ रहे हो। लेकिन चूंकि वह किसी हायर के साथ है, किसी शुद्ध तत्व किसी शुद्ध व्यक्ति के साथ है, तो तुम्हारा पूरा का पूरा आयोजन बन गया वैराग्यमयी संयममयी। भोग रहे हो लेकिन संयम में हो, क्या अद्भुत कैलकुलेशन है। और यदि तुम अकेले जाओ अमेरिका, अकेले जाओ, मेरे साथ 15 दिन भी जाओ तो भी वैराग्य और संयम के खाते में जाएगी बात। और यदि अकेले जाते हो कितना कुछ छोड़ के, उतना ही छोड़ के जाओगे जितना मेरे साथ आओगे तब छोड़ोगे, लेकिन कुछ भी संयम में नहीं जाएगा। इनफैक्ट आश्रव में, आश्रव यानी कर्म, तुम्हारे और नए नए बंधते जाएंगे। अपने विचारों की शुद्धि के लिए अधिक से अधिक सत्संग, इसलिए श्रीमद ने हर हर वचनामृत के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से यही बात मुख्य की, सत्संग का आधार मत छोड़ना। सत्संग के आधार पर घर बाहर छूटता है वो सब वैराग्य में संयम में त्याग में जाएगा। लेकिन कहीं अपना मटर कश्ती करने के लिए, मटर कश्ती है ना वो, मटर कश्ती करने के लिए तुम्हारा ये सब छूटता है तो वो वैराग्य में नहीं जाएगा। और ये वैराग्य, ये त्याग, ये संयम तुम्हें कौन दे सकता है? सत्संग और सद्गुरु के साथ ही मिल सकता है। तुम देखो संयम भी तुम्हारा सत्संग के साथ, अभी तुम संयम में भी हो, कहा जाएगा कि नहीं, अभी भी तो तुम्हारी घर गृहस्थी छूटी हुई है, तो अभी तुम्हारा दर्शन मोह भी कम होता जा रहा है और चारित्र मोह भी। लेकिन यदि तुम इस समय में प्रेम रतन धन पायो में होते, देख के आना, अच्छा पिक्चर है, देख के आना चाहिए। लेकिन तब भी आपने गृहस्थी छोड़ी पीछे, अगर 2 जने ही गए हो तो गृहस्थी छोड़ी, तो वहाँ पे वो संयम नहीं कहलाएगा। वहाँ पर मान्यता बेशक तुम्हारी यही है कि मैं तो जीव हूँ, खाली थोड़ी देर देखने आया हूँ, मैं तो जीव हूँ, परमात्मा ही हूँ, दर्शन मोहनिया में काम होगा लेकिन चारित्र मोहनिया पे नहीं होगा। और जब तक ये दोनों पूरे नहीं जाएंगे तब तक पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं होगी। और ये दोनों पूरे कहाँ जाते हैं? सत्संग और सत्पुरुष के सानिध्य के अंदर। आओ देखते हैं, जब ये दोनों जाने लगते हैं तो जीव
कैसा होता है, उसके अंदर किस तरह की उसकी जीवनी होती है, किस तरह का उसका जीवन मतलब होता है, और देखते हैं। हाँ, ये पूरे चैप्टर के अंदर, चैप्टर श्लोक एक जो गाथा एक थी उसके अंदर हमने चार दुर्लभ अंग देखे थे। चार दुर्लभ अंग कौन कौन से हैं? मनुष्यत्व, श्रवण, श्रद्धा, संयम। ये क्या हो गया? दूसरे, तीसरे, चौथे के अंदर परिभ्रमण का कारण जीव तुम स्वयं हो, कोई और नहीं है, ये बताया। पांचवे और छठे में क्लिविश कर्म की हमने बात की थी कि उन कर्म, वो कर्म अभी भी तुम्हारे चल रहे हैं, इस कारण तुम परिभ्रमण में हो। सातवें में हमने देखा था कि इस परिभ्रमण से छलांग लगाने की संभावना है। आठवें में हमने दूसरा दुर्लभ अंग देखा, धर्म श्रवण। नौवें में हमने तीसरा दुर्लभ अंग देखा, धर्म श्रद्धा। दसवें में हमने पिछली बार के सत्संग में चौथा दुर्लभ अंग देखा था, संयम में पराक्रम। और उसमें इन्होंने चार्ट बनाया था मोनिका प्रभु ने, जिसे वो खुद भी नहीं पढ़ पा रही थी। अब वो सीख रहे हैं धीरे धीरे कि अब बड़ा बड़ा मुझे लिखना चाहिए, तो जिसमें संयम और असंयम के बीच में हमने कंपैरिजन देखी थी। अब 11, 12 और 13 के अंदर इस चतुरंगीय की आराधना, मनुष्यत्व आराधना है तुम्हारी, तुम हो ना मनुष्य। श्रवण आराधना चल रही है तुम्हारी, सुन रहे हो। तीसरा श्रद्धा आराधना चल रही है, और चौथा संयम। इन चार की जो आराधना करता है उसके जीवन में इमीडिएट क्या बदलाव आता है, वो 11, 12 और 13 नंबर के श्लोक के अंदर हम देखेंगे। पांच बातें ही बोली है कि अगर तुम्हारे, तुमने इन चारों की तुम्हारे जीवन में आराधना चल रही है तो उसका इमीडिएट रिजल्ट, अनंतर परिणाम क्या है। ये 11, 12 और 13 श्लोक इकट्ठे ले लो। मानस धमी आया जो धम्मम सोच सदहि प्राकृत भाषा में गा रहे हो, सौभाग्य समझो अपना सौभाग्य। क्या कहते हैं 11वें गाथा के अंदर, मनुष्यत्व को प्राप्त कर जो धर्म को सुनता है, उसमें श्रद्धा करता है, वह तपस्वी संयम में पुरुषार्थ कर समृत हो कर्म रजों को ढूंढ डालता है। पहला क्या मिलता है उसको, देखो उसने सारा किया, मनुष्यत्व को प्राप्त किया, धर्म को सुना, उसमें श्रद्धा की, वह तपस्वी फिर फाइनली संयम में पुरुषार्थ करता है। और ये चार जब उसके जीवन में आते हैं तो समृत हो कर्म रजों को धुन डालता है। समृत शब्द का अर्थ समझो, संवर क्या होता है, समृत दोनों शब्दों को इकट्ठा किया है, मतलब इसमें आश्रव संवर और निर्जरा दोनों इकट्ठे आ गए। संवर शब्द होता क्या है तुम लोगों को जैसे नहीं पता होगा, जैसे अभी इस कमरे के अंदर कोई बाहर में जोर का तूफान आना शुरू हो जाए, खूब धूल उड़ रही हो, तो कमरे का दरवाज़ा यदि खुला रखा हो तो इस कमरे के अंदर भी
खूब सारी धूल आ जाएगी, आएगी कि नहीं? लेकिन अगर इस कमरे को बंद कर दिया जाए फिर धूल नहीं आएगी, लेकिन जो है वो तो रहेगी ना। अब धीरे धीरे झाड़ू मारना शुरू किया जाए और वो धूल को एक कोने में ले जाकर डस्टपैन में डाला जाए और फेंक दिया जाए, पॉसिबल है कि नहीं? और फिर कमरे को बंद रखा जाए, थोड़ा सा कमरा खोल के बाहर जाके डाल के वापस कमरा बंद करके बैठ जाओ। जब धूल सारी कमरे के अंदर आ रही है, सतत तुम्हारा दरवाजा खिड़कियां सब खुले हैं, उस स्थिति को जैन शास्त्र आश्रव कहते हैं। जैन क्या, कोई भी धर्म शास्त्र उसे आश्रव कहेंगे। आश्रव इनफ्लक्स, जब कर्म तुम्हारे भीतर आ रहे हैं, आत्मा के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। कमरा है लेकिन उसके अंदर धूल आती जा रही है, क्यों? कारण क्या है? दरवाजा बंद नहीं किया। दरवाजा बंद किया इसका मतलब क्या हो गया? संवर। जिस क्षण तुमने दरवाजा बंद किया उसको, वहां उस क्षण से संवर शुरू हो गया, लेकिन फिर भी तुम्हें साफ कमरे की अनुभूति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो पहले आया हुआ कचरा है उसे नहीं निकाला। पहले आए हुए कचरे को बाहर निकालना, इसे कहा जाता है निर्जरा। निर्जरा तीन शब्द है, आश्रव, संवर और निर्जरा। संवर पूर्वक की निर्जरा से मोक्ष होता है ऐसा कहा जाता है। संवर पूर्वक की निर्जरा यानी पहले दरवाजा बंद हो और उसके बाद फिर जो एग्जिस्टिंग कचरा है वो निकले। जन्मों जन्म का तुम्हारा दरवाजा खुला है, कौन सा? मोहनीय कर्म का, दर्शन मोहनीय, उसमें भी मुख्य बड़ा से बड़ा द्वार तो है दर्शन मोहनीय का, वो खुला पड़ा है जन्मों जन्म से। इस जीवन में तुम्हें सत्संग मिले, सत्पुरुष मिले, समझ मिली, अब क्या करोगे? सबसे पहले कचरा निकालना शुरू कर दोगे। कितना भी कचरा निकालोगे लेकिन दरवाजा यदि खुला है तो क्या होगा? कचरा आता रहेगा। इसलिए सबसे पहले तुम दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करना यानी अपनी मान्यता की भूल को हटाना। मैं 100 नंबर के घर में रहती हूँ, मैं 99 में भी नहीं रहती, 101 में भी नहीं रहती, ये मान्यता का द्वार अपना, जो गलत मान्यता थी उसका द्वार अपना बंद कर देना, ये क्या हो कहलाता है? संवर। और उसके बाद निर्जरा, एग्जिस्टिंग जो भूल है, क्योंकि उस जब तक तुमने दरवाजा खुला रखा था तब तक क्रोध, मान, माया, लोभ, आहार, परिग्रह, मैथुन, भय, ये सारी संज्ञाएं तुमने, कषाय और संज्ञाएं इकट्ठी कर ली थी, कचरा इन सब का कूड़ा तुम्हारे कमरे में इकट्ठा हो गया था, तो अब धीरे धीरे समझ पूर्वक ये सारा कूड़ा बाहर निकालना, क्षमापना के माध्यम से, समझ के माध्यम से, कोई भी जो जो हम बताते रहते हैं इस तरह बाहर निकालना, अब हो गया ये क्या? नहीं, बाहर निकालना यानी निर्जरा, रोकना यानी संवर, बाहर निकालना यानी निर्जरा। बस ये दो ही समझो। आश्रव तो हमें करना ही नहीं है, और जो भी करना है वो शुभ आश्रव करना है, वो अपने आप होता रहेगा। इसको एक नाव के दृष्टांत से भी समझाते हैं जिन आगम के अंदर, तुम लोगों ने शायद नाव से भी समझा होगा, अलग अलग बहुत दृष्टांत है कि एक नाव जा रही है पानी के अंदर और उस नाव में बड़ा सा छेद हो जाए तो अब क्या होगा? पानी अंदर आता रहेगा। तो पानी को निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले छेद को बंद करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? छेद को बंद करना, देखो पानी के आने को क्या कहते हैं? आश्रव। अब तुम कहो उस पानी में तो हीरे मोती आ रहे थे तो भी क्या, तुम्हारी नाव को तो डुबाएंगे? हीरे मोती आ रहे हैं तो भी क्या है, चाहे शुभ आश्रव भी है लेकिन अंत में वो भी डुबाने वाला, ऐसा कहा। उसके बाद संवर, उस होल को पहले उसे बंद किया जाना चाहिए, उसे को क्या कहेंगे? संबर। और फिर जो पानी भर गया है नाव के अंदर उसको उलीच उलीच के बाहर निकालना, इसको क्या कहा है? ये नाव नहीं डूबेगी। लो, नाव के दृष्टांत से समझ में आता है तो ऐसे समझो, कमरे के एग्जांपल से समझ में आता है तो ऐसे समझो, पर समझो, क्योंकि जिन आगम कहते हैं कोई समझा नहीं सकता, इसलिए मैं बार 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 बोल के जिन आगमों को गलत नहीं प्रूव करना चाहती, मैं ये कहना चाहती हूँ बार बार सुनकर समझा जा सकता है, बार बार एक की एक बात बार बार। समृद्ध होता है जीव, यहाँ पर जो शब्द लिखा है ना, समृद्ध होता है यानी संवर और निर्जरा दोनों उसकी इकट्ठी होती है। समृद्ध यानी संवर और निर्जरा दोनों होती है। कर्म रजों को धुंध डालता है। किस पैशन के साथ लिखे होंगे ये शास्त्र,
क्या उनका आवेश होगा, ये शब्दों की चॉइस देखो, धुन डालते, एक बार और आ रहा है ये शब्द, आखिर में भी कहीं आ रहा है, एक बार मैंने पढ़ा था, आज मैं पढ़ रही थी, कि इन कर्मों को धुन डालता है, धुन डालता है मतलब धुनाई कर देता है, या जो भी समझो उन कर्मों को, क्या पैशन होगा। अरे जब एक बार तुम्हें अब अपनी नाव में से पानी निकालना है तो तुम धीरे धीरे निकालोगे क्या? संवर करने के बाद तो निर्जरा की जो हड़बड़ी मुनियों को और साधकों को होती है ऐसी तो तुमने देखी नहीं होगी कभी। तुम्हें उसके बाद भी तुम्हें मालूम, अगर तुम धीरे धीरे बैठो, ठीक है आ गया है पानी, धीरे धीरे निकाल देंगे, कभी भी एक जोर का झोंका आएगा ना, तुम्हारी नाव को इतने पानी में डुबा देगा, इतने पानी में। इसलिए संवर के बाद तो धुनने का काम, यानी तुरंत निर्जरा निर्जरा होती है। लेकिन ये संवर किसके बाद आ रहा है? मनुष्यत्व को प्राप्त किया, धर्म को सुना, उसमें श्रद्धा की, और फिर संयम जो आया। और संयम क्या है? संयम क्या है? हायर के प्रति के प्रेम के कारण जब लोअर छूटता है, एक इंसान है वो परमात्मा प्रेम में है इसलिए उसकी पत्नी छूटती है, तो उसका छूटना संयम है, वैराग्य है, त्याग है। लेकिन पत्नी चिक चिक वाली है इसलिए छूटती है, ये उस पत्नी के प्रति का कषाय भाव है, क्रोध भाव है। फर्क समझ में आ रहा है? छूटने का तो तुम्हें दोनों में नजर आ रहा है, दोनों में छूट रहे, एक इसमें भी पत्नी छूट रही है, उसमें भी छूट रही है, लेकिन एक में संयम के अधीन, वैराग्य के अधीन छूट रही है, और दूसरे में कषाय के अधीन। और कषाय के अधीन पत्नी छूट रही है तो बार बार वैसी पत्नी मिलेगी, श्राप मिला हुआ है तुम लोगों को। और अगर वैराग्य के अधीन छूटी एक बार, तो उसके बाद छूटी तो छूटी, अब कभी वापस लौट करना ये संयोग होते ही नहीं। इसलिए तुम्हारे हर छोड़ने को ना चेक करना, तुम्हारा ये छोड़ना, इसलिए मैंने संयम और असंयम का जो लिस्ट इन्होंने बनाया था, एकदम तुम्हें पता होना चाहिए, और तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए तुम्हारे संयम का जन्मदाता कौन है। तुमसे कोई तुम्हारी माँ का नाम पूछे, बाप का नाम पूछे, तुम्हें नहीं पता होगा मतलब कुछ गड़बड़ है कि नहीं। तुम्हारा संयम, तुम्हारे संयम की रसपूर्ण धारा, देखो त्याग तो तुम लोगों ने मुझसे मिलने से पहले भी बहुत किया होगा कि नहीं, लेकिन अब जो त्याग है इसमें रस है, मुझे ऐसा लगता है। रस पूर्वक का जो त्याग होता है ना, वो एक्चुअल त्याग के जन्मदाता है। कोई तुम्हें कहे कब से ये संयम है और तुम सोच ही ना पाओ, हम तो बचपन से ऐसे हैं जी, तुम अगर ऐसा कह रहे हो, हमने बचपन से आलू प्याज छोड़ा हुआ है जी, हमने बचपन से ये सब नियम लिए हुए हैं। यदि तुम्हारे बोलने में तुम्हारे संयम के जन्मदाता की कोई खातरी नहीं है, कोई उनका ठिकाना नहीं है, समझो तुम्हारा संयम झूठा है। कोई तुमसे पूछे ये उत्साह, ये आनंद, ये आवेश, ये संयम, ये त्याग, ये वैराग्य, ये खुमारी, ये आनंद तुम्हारे जीवन में कहाँ से आ रहा है, और तुम बता सको, घंटों उसको सुना सको कि वो अगली बार तुमसे क्वेश्चन ही ना करे, इतना तुम्हारे अंदर में आवेश हो, तो मैं कहती हूँ ये संयम है। ये तुम्हें अपने संयम का जन्म स्थान ही ना पता हो तो वो संयम नहीं है, वो नियमों का बंधन है, और नियमों का बंधन तुम कभी भी तोड़ोगे। तुम्हारे जीवन में जो जो कुछ छूटा है ना, उसके कारण खोज लेना, तुम्हारी समझ होगी, और उस समझ का कारण ये सत्संग होंगे। उससे पहले के जितने भी छोड़ना जो कुछ भी हुआ होगा, वो सारा केवल तुम्हारे नियम होंगे, सामाजिक नियम होंगे, घरेलू नियम होंगे, तुम्हारे सांप्रदायिक नियम होंगे, उसके कारण हुआ होगा, संयम के कारण नहीं। जब जीवन में मनुष्यत्व, धर्म का श्रवण, उसमें श्रद्धा और संयम में पुरुषार्थ, ये चारों चीज़ें आती है, तो क्या होता है, संवृत यानी संवर और निर्जरा, इन दोनों को इकट्ठे होना पड़ता है, और उससे कर्म रजों को की धुनाई हो जाती है। अगले में क्या कह रहे हैं, शुद्धि उसे प्राप्त होती है जो रुजुभूत होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शुद्धि तो हुई, तुमने कचरा तो साफ किया कमरे में से, अब ये तो बाहर का कचरा है तो कचरा बाहर जाएगा, तो साफ तुम्हें मार्बल चमकता हुआ नजर आएगा, बाहर में तो संभव है, लेकिन भीतर शुद्धि प्राप्त हुई है ये नजर कैसे आए, क्योंकि जो शुद्धि होती है वो अदृश्य है, किसी को दिख नहीं सकती, वो बाहर किस प्रकार से दिखती है, कैसे दिखती है, तो उसके लिए दिया है, वो रुजुभूत हो जाता है, यानी सरल हो जाता है, सहज हो जाता है,
कितनी सुंदर बात की है, शुद्धि संवर निजरा अंदर हो रही है आज। इसीलिए ना सारे दृष्टांत अधूरे पड़ते हैं आत्म तत्व को समझाने के लिए। सारे कितने भी एग्जाम्पल ले लो, आत्म तत्व को समझाने के लिए सारे अधूरे अधूरे कहीं ना कहीं किसी न किसी डायमेंशन से गलत हो जाते हैं। यहां पर तो कचरा गया तो दिखेगा ना साफ कमरा, लेकिन अंदर जब संवर निजरा होती है तो दिखता कहाँ है, उसके जीवन में दिखता है। उसके जीवन में सरलता, रुजुता आती है। रुजु यानी सरल, लेकिन सरल के साथ ज्ञानी सहज शब्द जरूर यूज करते हैं। सहज जीवन है उसका, बंधा बंधाया जीवन नहीं है, वही हवा के पत्ते की तरह उसका जीवन। और सरलता है, सरलता सबसे पहले उसकी देखना वाणी की सरलता, यानी अंदर बाहर समान है। वाणी की सरलता का ये मतलब नहीं है शास्त्रों को, कठिन शास्त्रों को सरल करके समझाता है, ऐसा नहीं। हो सकता है उसे कोई शास्त्र ना आता हो सकता है, लेकिन उसके कथनी और करनी में भेद नहीं है, ये वाणी की सरलता है। सबसे पहले उसकी वचन की सरलता देखना, उसके बाद उसके शरीर की सरलता, उसके बाद उसके मन की सरलता, ये क्रम होता है सरलता देखने में। सबसे पहले उसकी वचन की सरलता, वो जैसा कहता है वैसा करता है। तुम अपने में भी देख रहे हैं, खाली ज्ञानी के लिए नहीं है। यदि तुम भी अपने जीवन में समृत मार्ग पर आगे बढ़ गए हो, यानी संवर और निजरा दोनों तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे जीवन में सरल कथनी और करनी में भेद नहीं होगा। दूसरा, उसके बाद कौन सी सरलता आएगी? तन की। पहले वचन की आती है, उसके बाद तन की। अगर वो कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मतलब इस कितनी ही बार हम तन की झूठी गवाही देते हैं कि नहीं आजकल तुम यहाँ है ही नहीं, और आजकल तुम वहाँ जा रहे हैं, या फिर अगर तुमने सत्संगों में भी आना है तो तुम्हारे तन अभी तुम यहाँ हो, लेकिन अभी तुम अपने तन को कहीं बैठे बैठे आंख बंद करो और अपने तन को वहाँ इधर उधर घूमता, अपने भीतर आंखों से तो कुछ भी हो सकता है ना, कि अभी सेडोना में क्या हो रहा होगा। तुम्हारा तन, तुम्हारा तुम यहाँ हो लेकिन तुम्हारा तन विचारों के माध्यम से कहीं और घूम रहा है। अधिकतर तुम अपने विचारों को विटनेस करोगे, साक्षी भाव से देखोगे, तो उसमें तुम्हें दूसरों के तन दिखेंगे, लेकिन जब तुम इस एंगल से अब देखना शुरू करोगे, तुम्हें अपने तन की असरलता, ये शास्त्रों में लिखा है तन की असरलता, तुम अपने आप को दूसरी जगह पे घूमता हुआ महसूस करो, सोचो, महसूस करो यानी जब तुम सोचने लगते हो कि अरे बेन प्रभु के साथ हम सेडोना जाएंगे, उसके बाद हम वहाँ से ग्रैंड कैनियन जाएंगे, ये सब जो तुम अपने तन को दूसरी जगह अभी यहाँ बैठे बैठे कल्पना के माध्यम से, कल्पना के पर लगाकर सोचते हो, ये तन की असरलता है सोचने के एंगल से। दूसरा, तुम्हारे तन के अंदर क्षमता है सेवा करने की क्षमता है, लेकिन तुम वो सेवा नहीं करना ही नहीं चाहते। कहीं तुम्हारी कमर दुख जाए, कहीं तुम्हारे घर के लोग तुमसे नाराज हो जाए, ये जो अंदर में असरलता है तन का उपयोग नहीं करना अपने से हायर के लिए या अपनी भक्ति के लिए, इसको कहा जाता है तन की असरलता। अपने स्वास्थ्य को दबाना, अपने स्वास्थ्य को छुपाना और अपने रोग को प्रकट करना ताकि तुम किसी अच्छे कार्य से बच जाओ। नहीं जी हमें तो जुकाम है, नहीं जी हमें तो खांसी है, जी हमें कमर का दर्द है, ये दूसरे प्रकार की तन की असरलता। 18 प्रकार की तन की असरलता है, 18 प्रकार की। अभी मुझे नहीं उस विषय को छूना, लेकिन ये दो भी तुम सुनो, ये खास मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। यहाँ बैठे बैठे तुम ज़्यादातर वस्तुओं का विचार करते हो, दूसरों का विचार करते हो, लेकिन जब तुम अपना विचार वहाँ पर करने लगते हो, वो तन की असरलता है। और अपने तन का उपयोग किसी हायर पर्पज़ के लिए नहीं करना, कि भाई अगर हम अभी जयपुर ये लोग को जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि 3 घंटे जाने के, 3 घंटे आने के, जी हम थक जाएंगे, उसके बाद का नेक्स्ट डे का हमारे सत्संग में, अगर मान लो सैटरडे जा रहे हैं तो संडे के सत्संग के लिए हम फ्रेश नहीं रहेंगे, ये क्या है? तन की असरलता। जैसे जैसे भीतर शुद्धि होती है, वैसे वैसे बाहर में सरलता और रुजुता, पहले वचन की प्रकटेगी, कथनी और करनी में भेद नहीं, फिर तन की और फिर मन की। इसके लिए मैंने एक बहुत सामान्य सिद्धांत सालों पहले दिया था, इसके भी शायद 11-12 भेद है, लेकिन एक सिंपल सिद्धांत में सब कवर हो जाता है, जहां तन वहां मन, ये मन की सरलता है।
जहाँ तन वहाँ मन, अभी तुम यहाँ बैठे हो तो तुम यहाँ के हो, फिर चाहे बोलने वाले के साथ अपना संबंध जोड़ रखा है, चाहे लिखने में जोड़ रहे, लेकिन तुम्हारा मन यहाँ है। लेकिन तन की असरलता क्या है? तन यहाँ है पर मन कहीं और है, समझ आ रहे हैं तीनों? और वचन की क्या असरलता क्या है? तुम्हारे कथनी और करनी में ही भेद है। तो जैसे ही शुद्धि प्राप्त होती है, शुद्धि यानी समृत अवस्था यानी संवर और निर्जरा जैसे ही प्राप्त होते हैं, व्यक्ति के अंदर सबसे पहले क्या प्रकटता है? रुजुता, सहजता और सरलता। और ये सरलता के साथ सहजता शब्द क्यों यूज करते हैं ज्ञानी? क्योंकि इस सरलता को लाने के लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज होती है ये। बहुत कोशिश करके तुम्हारी कथनी और करनी एक हो रही है तो मतलब अभी अंदर समृद्ध दशा नहीं प्रकटी। ठीक है, करो तुम, वो भी ठीक है, लेकिन समृद्ध दशा प्रकटती है उसके बाद ये सहज हो जाता है। धर्म उसमें ठहरता है जो शुद्ध होता है। धर्म उसमें ठहरता है जो शुद्ध होता है, जो शुद्ध होता है उसमें धर्म ठहरता है। उल्टी तरफ से ले लो, बात एक ही है। जैसे जैसे तुम में शुद्धि आती है वैसे वैसे धर्म तुम में ठहरेगा। धर्म यानी क्या? अपनी डेफिनेशन लो। धर्म यानी आनंद। आनंद तुम में ठहरेगा का मतलब क्या? अब उस आनंद के लिए तुम्हें बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। आनंद तुम में ठहरेगा इसका मतलब क्या है? तुम जिससे मिलने जा रहे थे वही तुम्हारे घर में आके ठहर गया, तो अब क्या होगा? तुम मिलने नहीं जाओगे, बात खत्म। तो जिस आनंद के लिए तुम इधर उधर कश्मीर, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, तुम लोग भी सिंगापुर घूम रहे थे जिस आनंद के लिए, हाँ वेकेशन था, फॉरेन चेंज था, बात ठीक है, लेकिन आनंद के लिए घूम रहे थे, वो आनंद तुम्हारे घर आके ठहर गया, अब तुम कहाँ भटकोगे? इसलिए ज्ञानियों का भटकना बंद हो जाता है। बहुत अद्भुत अद्भुत बातें हैं। सबसे पहला क्या होता है? देखो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फल कर रहे हैं। इमीडिएट रिजल्ट्स क्या होते हैं? जिसने चार अंगों की आराधना जिसके जीवन में चल रहे हैं उसके क्या क्या इमीडिएट रिजल्ट होते हैं? नंबर वन, संवृत हो कर्म रजो को ढूंढने लगता है, यानी संवर निजरा प्रकटती है, पहला। दूसरा, वह रुजुभूत हो जाता है यानी सरल और सहज दोनों। तीसरा, धर्म उसमें ठहरता है यानी उसके भीतर आनंद ठहराव के साथ आने लगा। अभी उछल कूद मचा रहा है, कभी आता है कभी जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन फिर वो ठहरने लगता है। जिसमें धर्म ठहरता है वह ध्रुत से अभिषिक्त अग्नि की भांति परम निर्वाण को प्राप्त होता है। अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मेटाफर है एक खाली, जिसमें धर्म ठहरता है, धर्म की धर्म को क्या कहते हैं, धर्म को धृत यानी घी, घी से कंपेयर किया है, धर्म को घी से, जैसे अग्नि में जितनी घी डालते जाओ उतनी देर तक अग्नि ठहरती जाती है, उसकी ज्वाला चलती रहेगी जलती रहेगी, जब तक तुम घी डालते रहोगे अग्नि धधकती रहेगी ज्वलायमान रहेगी। इसी तरह जिसमें धर्म ठहरता है, जो शुद्ध होता है, जिसमें धर्म ठहरता है वह धृत से अभिषिक्त अग्नि की भांति परम निर्वाण को प्राप्त होता है। आगे जाके वह अग्नि स्थिर, धर्म जैसे जैसे स्थिर होता जाता है वैसे निर्वाण दशा की ओर आगे आगे बढ़ने लगता है। तो बना क्या हम देखें, जैसे दूध में से क्या बनता है? माखन, सीधा माखन बन जाता है, पहले दही बनेगा, दही में से माखन, माखन में से घी, दूध में से दही, ऐसे ही बन जाता है। इसको रब करो तो एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है तुम्हें समझ में आएगा, कैसे बनता है? क्या बोलते हो उस जाति को? जामुन बोलते हो, जामुन बोलते हो, क्या बोलते हो? जामुन, और कुछ नहीं बोलते, खट्टा, खट्टा डाल दो तो खट्टा डालोगे तो खट्टा नहीं जम जाता, क्या बोलते हो? ठीक है, तो मिटा रहा था इसलिए। इसको तुम ऐसे कर दो, थोड़ा लैंडस्केप, थैंक यू। दूध है घर में, उसमें से क्या बनता है? दही, दही में से माखन,
और उसमें से घी। चलो, ये तो प्रोसेस सबको पता है। अब तुम भी जानते हो कि दूध से दही सीधा नहीं बन जाता, उसमें क्या डालते हो? क्या लिखूं मैं? जाम लिख दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। जामन, ठीक है, जामन, ओके। ऐसा ही, अभी ऐसा ही कुछ निकल कर आएगा जो भी तुम कहो। दूध है, उसमें जामन डालना है। दूध यानी तुम्हारा मनुष्य जीवन, तुम्हें मिला है इस मनुष्य जीवन के लिए। मैं लिख देती हूँ, ये दूध की तरह है, इसमें तुम्हें जामन डालना है। जामन यानी सत्पुरुष के वचन। सत्पुरुष के वचन जब डालोगे तो तुम्हारा होगा क्या? श्रवण। श्रवण, श्रवण के बाद आएगा अवलोकन, अवलोकन के बाद आएगा चिंतन, और चिंतन के बाद आएगा मनन। ये पूरी प्रक्रिया है। और दूध में जामन डालते हो तो दही तुरंत बन जाता है? नहीं, डिपेंड करता है वेदर पे, इज़न्ट इट? आजकल के मौसम में तो अब 8-8, 10-10 घंटे भी लग सकते हैं, और गर्मियों में 3-3 घंटे के अंदर भी हो जाता है। तो जैसा तुम्हारा अंदर का मौसम है ना, जैसा तुम्हारे अंदर का मौसम है, अगर शांत ठंडा तो फिर जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर का मौसम ही बड़ा खतरनाक है तो फिर टाइम लगेगा। तो फिर भी जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि इसको होने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। सत्पुरुष के वचन को सुना, उसके बाद उस पर समय दो। श्रवण तो हो गया, अवलोकन करो। अवलोकन यानी आज के सत्संग में मैंने जो भी सुना, अवलोकन यानी आज के सत्संग में मैंने जो भी सुना उसमें मुझे क्या करने का है। वैसे तो तुम्हें सभी कुछ करने का है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ढूंढ लो कि मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से किसके ऊपर वर्क करना है। मुझे अपने आप को जीव मानने के ऊपर एम्फसाइज करना है, या जो भी मान लो, मुझे समर और निजरा करनी है, मुझे कौन से पॉइंट पर वर्क करना है। ज़रूर अपनी कॉपी में लास्ट में लिख कर खड़े हुआ करो यहाँ से। जब तक मैं यहाँ पर वंदन करती हूँ ना, हर सत्संग के बाद करती हूँ, तब तक यहाँ पर अपनी कॉपी में तुम लिख लो कि आज के सत्संग मुझे ये बेस्ट पॉइंट लगा, और तुम्हें ना वही बेस्ट पॉइंट लगेगा, ये याद रखना, जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी ना, तुम्हें वही बेस्ट पॉइंट लगेगा, बाकी तुम्हें कोई बेस्ट लग नहीं सकता। बाकी ठीक है, अच्छे दृष्टांत थे, लेकिन मुझे क्या करना है उसमें जो तुम चूज़ करो ना, समझना तुम्हारी दशा को उसी की ज़रूरत है। अभी श्रवण करो, फिर अवलोकन करो। अवलोकन यानी मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे क्या करना है अब। उसके बाद चिंतन करो, उसी का चिंतन के अंदर कि अब ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो मुझे उसको किस तरह से हैंडल करना है कि धर्म हमारा अडिग रहे, हम धर्म में रहे, हमारा संयम अडिग रहे। मुझे क्या करना है? मुझे पता है कि मुझे कुछ कुछ संयोगों में क्रोध आता है। जब तुम श्रवण और अवलोकन करोगे तो तुम्हें पता तो चलेगा ना कि इस परिस्थिति में मुझे क्रोध आता है। तो अब चिंतन के माध्यम से रिप्लेसमेंट ऑफ थॉट्स करो। अपने आप को पहले से कमांड दे दो, अपने आप में पहले से डेटा डालो कि ठीक है, मुझे इस परिस्थिति में क्रोध आता है ना, अगली बार ये परिस्थिति आएगी ना तो मैं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करूँगा, अब मैं ऐसे नहीं ऐसे सोचूंगा, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। अपने आप को अभी से, जब तुम शांत हो ना तभी से अपने दिमाग में डेटा डालना शुरू करो, क्योंकि जब तुम अशांत हो जाते हो ना उस समय तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तुम वासना से पूरे पूरे भर जाते हो ना उस समय तुम वासना को हटाने का कुछ नहीं काम कर सकते। जब तुम वासना में नहीं हो ना तब ये निर्णय करो। और जब तुम वासना में या कषाय में, दोनों की बात कर रही हूँ, वासना में या कषाय में नहीं हो तब तुम उस वासना या कषाय के लिए जो निर्णय करते हो उस दशा को चिंतन कहा जाता है। चिंतन यानी जो कुछ तुम सत्संगों में सुन रहे हो उसी को सोचना, सोचना वो नहीं, वो नहीं, वो श्रवण के अंदर ही जाएगा। चिंतन यानी अवलोकन के बाद आई दशा। अवलोकन यानी मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ। उसके बाद तुम्हें अंदर ही निर्णय हो जाएगा कि मुझे यहाँ या इस समय में क्रोध आता है, अब अगली बार जब क्रोध आएगा तब मुझे कैसे हैंडल करना है। इसमें मेरे भीतर वासना उठती है, आकर्षण उठता है, तब मुझे क्या करना। जब तुम उस स्थिति में नहीं हो तब उस स्थिति को कैसे डील करना है इसका निर्णय करना, इसे क्या कहा जाता है? चिंतन। जब तुम उस स्थिति में हो तब तुम्हारा निर्णय कभी राइट हो ही नहीं सकता, तब तुम्हारे सारे निर्णय गलत होंगे। क्रोध के समय में क्रोध गलत है, ऐसा कोई निर्णय करेगा क्या? नहीं, होता ही नहीं। 2 मिनट बाद होगा, लेकिन क्रोध के समय में
नहीं होगा। तो जब तुम बिल्कुल शांत हो तब ये निर्णय करना कि अगली बार क्रोध के समय में मुझे क्या करना है, अगली बार शंका के समय में मुझे क्या करना है, संदेह के समय में मुझे क्या करना है, ये निर्णय करना, इसको कहा जाता है चिंतन। और मनन यानी तुम्हारा मन नया हो गया, मनन को ऐसे समझो, मन नया हो गया यानी अब जब प्रसंग आते हैं तब तुम्हारे चिंतन के आधार पर इमीडिएटली यू कैन रिप्लेस योर रिएक्शंस, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं तुम वहीं के वहीं बदल सकते हो। सो साइंटिफिक इजंट इट? पहले तुम्हें मनुष्य जीवन मिला, उसके बाद तुम्हें सत्पुरुष के वचन मिले, उस वचन के आधार, देखो ये जामन चाहे दो बूंद हो लेकिन बड़ा ज़रूरी है, वो दो बूंद तुम्हारी पूरी जिंदगियां खा जाएगा, लेकिन उसके बिना कभी तुम्हारे भीतर श्रवण, अवलोकन, चिंतन, मनन और फाइनली निधिध्यासन की भूमिका प्रकट ही नहीं होगी। उसके बाद क्या आता है? माखन, यानी इतना करने के बाद अब जो प्रकटा उसे कहा जाता है श्रद्धा। और उसके बाद क्या आया? संयम। और इस संयम को ही घी की उपमा दी है, देखो संयम के बाद ही सीधा घी की उपमा। कैसे लिखा है इन्होंने भी, सारी जो बातें हैं जिन आगमों में जो कुछ भी लिखा है वो कितना एग्जाम्पल सारे सटीक मैच करते हैं। मनुष्यत्व तुम्हें मिला, उसमें खाली मनुष्यत्व तो यूं ही हजारों करोड़ों लाखों अरबों लोगों को मिला है, लेकिन उस मनुष्यत्व के अंदर ये थोड़ा सा भी सत्पुरुष का वचन गया ना, तो अब वो मनुष्यत्व कैसा हो गया? दही जैसा। यानी उसके अंदर श्रवण की योग्यता आ गई, अवलोकन की आ गई, चिंतन की आ गई और मनन की आ गई। ये योग्यता आई, उसके बाद क्या बना? श्रद्धा। और उस श्रद्धा में से क्या निकला? संयम। और जब ये संयम जो है, ये चारों के बाद, खाली संयम अकेला मिलेगा तुम्हें? तुम कहो हम तो बहुत त्यागी हैं, तुम त्यागी हो सकते हो लेकिन संयम ही नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे सम्यक रूप से त्याग चाहिए। संयम का मीनिंग क्या होता है? सम्यक रूप से, यम नियम त्याग, सम्यक रूप से जब तुम्हारे जीवन में त्याग आता है तो वह त्याग ही तुम्हें निर्वाण की तरफ ले जा सकता है। देखो इसके अंदर शुद्धि उसे प्राप्त होती है जो रुजुभूत होता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। धर्म उसमें ठहरता है जो शुद्ध होता है, यानी आनंद उसके अंदर ठहरने लगता है, ये तीसरा पॉइंट। परिणाम चल रहे हैं ना कि क्या क्या हमें फल मिलेगा, वह आनंद में रहने लगता है। और इस कारण से अभिषिक्त व्यक्ति अभिषिक्त अग्नि की भांति परम निर्वाण को प्राप्त करता है। इन चारों के कारण फाइनली घी और अग्नि, यानी तुम्हारा कर्म रूपी, कर्म को अग्नि की उपमा दी है, उस अग्नि, कर्म रूपी अग्नि के अंदर ये चारों जब घुसते हैं, घी घुसेगा। अच्छा, उस अग्नि में सीधा दूध डाल दो, बुझ जाएगी। उस अग्नि के अंदर सीधा दही डाल दो, कुछ होगा? उस अग्नि में सीधा माखन डाल दो, कुछ होगा? उस अग्नि में घी डालोगे तभी वो जलती रहेगी। इसी तरह तुम्हारी अग्नि, कर्म रूपी अग्नि के अंदर, यहां अग्नि किसको कहा है? कर्म को। कर्म रूपी अग्नि के अंदर सीधा मनुष्यत्व जाएगा तो कुछ नहीं होगा, तुम मनुष्य बन गए तो सिद्ध नहीं बनोगे। सीधा श्रवण जाएगा तो कुछ नहीं होगा। पूरा इस प्रोसेस में से पसार होकर संयम जब घुसेगा तो वह संयम तुम्हें निर्वाण के लायक, निर्वाण की ओर ले जाएगा। तेरहवें के अंदर क्या लिखा है? कर्म के हेतु को दूर करते हैं। कर्म का हेतु यानी कर्म का कारण, और कर्म के कारण क्या है? राग और द्वेष लो, अज्ञान ले लो, मोह ले लियो, दर्शन मोहनीय ले लो, कुछ भी ले लो। कर्म के कारण को दूर करता है वह व्यक्ति, सहिष्णुता से यश का संचय करता है। सहिष्णुता से संयम का, यश यानी संयम का संचय करता है। कभी संयम स्वाभाविक रूप से सहजता से नहीं भी आता तो वो परिश्रम करके भी, मेहनत करके भी संयम को लाता है अपने जीवन में। और संयम यानी क्या, वापस पक्का कर लो, मैं बार बार बोल रही हूँ आज, संयम क्या है बोलो। हाँ हाँ पूरा बोलो, हायर के प्रति के प्रेम के कारण संसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां छूट जाए उसे संयम कहा है। ये याद रखना, छूटती तो तुम वेकेशन पे जाते हो तब भी है, तुम्हारे घर तब भी छूटते हैं, तब उसको संयम नहीं कहा। हायर के प्रति के प्रेम के कारण जब छूटता है तो उसको संयम कहा है। ऐसा क्या करता है? कई बार नहीं भी सहज रूप से सत्संगों तक आने का हो रहा तो भी
मेहनत करके, हिम्मत करके भी वो सत्संगों तक आने की कोशिश करता है। शिविरों, सत्संगों, कुछ भी कहो, तुमने नित्यक्रम ले रखा है। वैसे तो रोज तुम्हारा नित्यक्रम बड़े बराबर सटीक रूप से हो रहा है, घर में शादी आ गई, अब तुम्हारा ये संयम बड़े सटीक रूप से नहीं हो रहा, क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन खूब धोल धवाल है तुम्हारे घर में। अब क्या करना, सहिष्णुता से, सहिष्णुता यानी सहन करना नहीं होता, सहिष्णुता यानी साहस पूर्वक भी, तटस्था पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक अपने संयम में लगता है। वैसे तो सहज ही होता है उसके लिए, लेकिन कभी कभी सहज ना भी हो तो वो हिम्मत पूर्वक भी अपने संयम का संचय करता है, इकट्ठा करता है। तब वो ये नहीं कहता ठीक है अभी तो घर में शादी चल रही है, छोड़ो ना, ध्यान ना हो तो चलेगा, ये भी तो कर्म है, कर्तव्य है हमारा। नहीं, तुम्हारा कर्तव्य संयम के अंदर पराक्रम है। ऐसा करने वाला पार्थिव शरीर को छोड़कर, पार्थिव यानी मिट्टी से जो बना है, पार्थिव, पार्थ किसको, पार्थिव यानी जो पृथ्वी से बना है, पृथ्वी से बने हुए शरीर को छोड़कर ऊर्ध्व दिशा स्वर्ग को प्राप्त करता है। अब इसके बाद 2 गाथाएं आएंगी जिसमें स्वर्ग को प्राप्त करता है तो स्वर्ग में क्या लाभ होता है उसको वो बताएंगे, जिससे हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, हम लोग 5 मिनट में पढ़ लेंगे नेक्स्ट सत्संग में। लेकिन उसके बाद की जो 5 गाथा है वो बड़ी मजेदार है, क्योंकि उस स्वर्ग से लौट कर उसको किस जाति का मनुष्य भाव मिलता है वो बताएंगे, कहाँ तक की प्लानिंग हमारे ज्ञानियों ने देखी है और करी है, कि यदि तुम्हें ये 4 यानी दूध, दही, माखन और घी, मनुष्यत्व, श्रद्धा, श्रवण, श्रद्धा और संयम, ये 4 तुम्हारे जीवन में है तो अगला जीवन, क्योंकि काल की अपेक्षा से तुम्हें यहाँ नहीं पैदा किया जा सकता, अगला जीवन ऊर्ध्वलोक में जाएगा यानी देवलोक में, फिर वहां से निकलकर जो तुम्हारा अंतिम जीवन होगा, करीब करीब अंतिम कहो या अंतिम, इनके हिसाब से तो अंतिम है, उस जीवन में तुम्हें 10 प्रकार की, किस तरह की, 10 बताई है इन लोगों ने, क्या क्या तुम्हारे लक्षण होंगे, कैसे तुम्हारे दास दासी होंगे, कैसी तुम्हारी संपत्ति होगी, सब कुछ बताया है, 10 बातें बताई है, कैसा तुम्हारा यश होगा, एक यश ऐश्वर्या राय का है और एक यश बेन प्रभु का है, कुछ फर्क है कि नहीं दोनों के यश में, दोनों यशवान है लेकिन दोनों के यश में कितना फर्क है, तो वो ऐश्वर्या राय वाला यश जो है वो घुमाने वाला है और बेन प्रभु वाला यश कौन सा है, छुड़ाने वाला। तो ये सारी बातें बताएंगे कि खुद को भी छुड़ाने वाला और तुम्हें भी छुड़ाने वाला, और ऐश्वर्या के अंदर खो गए तो तुम भी बंधे और वो उसका तो क्या होगा, उसका तो वही जाने। तो सारी बहुत खूबसूरत 10 बातें करेंगे अंतिम 5 गाथाओं के अंदर, कि कैसे जिसने इस जीवन में, यानी इस जीवन की प्लानिंग चल रही है अभी, उसका अगला जीवन 2 गाथाओं में अभी प्लान बता देंगे, अगले सत्संग में देखेंगे, और उसका 5 गाथाओं में उसके बाद वाला जीवन मनुष्य बनेगा, लेकिन किस जाति का मनुष्य होगा। और वैसे तुम्हें कहूँ तो मैंने तो सारा पढ़ रखा है, तो वो 10 के 10 ना अपने जीवन में तो मुझे नजर आते हैं, तो 10 के 10 एक दो ही जीवन लगेंगे, अब और क्या लगेंगे, तुम लोग थोड़ी जल्दी करना बस, मुझे तो कभी कभी ये लगता है त्वरा से मोक्ष की तरफ जाना है, अपनी अनुभूति की तरफ। और यदि तुम्हारा दर्शन मोहनियम मंद होगा ना, दर्शन मोहनियम तुम समझ गए, तुम्हारा दर्शन मोहनियम मंद होगा ना, तो किसी मेरे जैसे सामान्य पुरुष के वचन पर भी भरोसा हो जाएगा, और तुम्हारा दर्शन मोहनियम मंद नहीं होगा तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा को भी लाकर खड़ा कर देना तुम्हारे सामने, तुम्हें उनके वचन पर भी भरोसा नहीं होगा। और ऐसे 9 निन्हवों की बातें हैं, 9 निन्हव यानी नालायक, 9 ऐसे नालायक लोगों की बातें आती है जैन शास्त्रों में, जमाली वगैरह की सबकी, कि तीर्थंकर जैसों के साथ सालों तक रहे, जमाई था भगवान का, सालों तक तीर्थंकरों के साथ, तीर्थंकर के साथ रहे भगवान महावीर के साथ, लेकिन दर्शन मोहनिया मंद पड़ा, इसलिए तो दीक्षा ली देखो, लेकिन उसके बाद ऐसा उछला कि भगवान ही झूठे हैं, और नया अपना मत चालू करके कहाँ निकल गया। इसलिए जीवन में पूरा पुरुषार्थ ना दर्शन मोहनिय को मंद करने का करना, और वो किससे होता है, खूब खूब सत्संग, विचार पूर्वक का विश्वास, प्रेम और अर्पणता, प्रेम और अर्पणता। थोड़ी देर करें ध्यान, 15 मिनट खाली। अब तो तुम्हें पता भी चल गया, तुम जितनी देर यहाँ ज़्यादा हो तुम मनुष्यत्व, श्रद्धा, श्रवण और फाइनली संयम, संयम के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हो।
संयम का अर्थ कभी भी त्याग से मत करना, इतना छोड़ा इसलिए संयम ही है, ऐसा मत करना। ये वापस तुमने किसी के त्याग को संयम मान लिया ना, तो वापस तुम्हारा दर्शन मोनीय ज़्यादा प्रगाढ़ करेगा, तुम्हारा ज्ञानावर्णीय ज़्यादा प्रगाढ़ करेगा। उसके त्याग में नृत्य हो, उसके त्याग में मस्ती हो, उसके त्याग में आनंद हो, उसने जो छोड़ा है उसकी तरफ वो मुड़कर देखता भी ना हो, जिसका ऐसा त्याग देखो ना उसको संयम मानना। बाकी सारे त्याग खाली संप्रदाय और समाज के दबाव में हुए हुए हैं। ऐसे कितने लोग मैं जानती हूँ कि जिन्होंने जीवन में नियम लिए हैं लेकिन सोचे समझे बिना, किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में, लो ना दबाव में नहीं होते लेकिन प्रभाव में तुम नियम ले लेते हो, उसके बाद तुम्हारे जीवन में वो उत्सव, वो उदास, वो आनंद ही नहीं है और उदासी है। उस तरफ की सोच में भी तुम घबरा जाते हो कि नहीं वो सोचना भी नहीं है, तो समझना ये सब संयम में नहीं जाएंगे। त्याग है तुम्हारे सामान्य त्याग, संयम नहीं है, और बिना संयम के घी नहीं बनेगा, और घी नहीं बनेगा तो कर्म रूपी अग्नि क्या हो गया। थोड़ी देर का ध्यान, जहां भी बैठे हो सहजता से बैठो। हिंदू मान्यता के हिसाब से मैंने अग्नि को कर्म का की उपमा दी, लेकिन चूंकि ये जैन शास्त्र है इसलिए इसे मैं कर्म की उपमा नहीं देते हुए चेतना की उपमा देती हूँ कि तुम्हारे सबके भीतर चैतन्य तो है ही, लेकिन जैसे जैसे अग्नि में घी डालते जाओ चैतन्य पना और अधिक दैदीप्यमान होगा। हिंदू मान्यता में भी कर्म इतने अधिक इतने अधिक इतने अधिक फैलते 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 शुभ कर्म, शुद्ध कर्म, वह ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। वह एक अलग मान्यता है, अलग दृष्टिकोण है, लेकिन चूंकि ये उत्तराधीन सूत्र और जैन मान्यता के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो यहाँ पर अग्नि की जो बात आई है 12वें श्लोक के अंदर, उस अग्नि की उपमा चेतना के साथ करो, अपने चैतन्य के साथ। आप सबके जीवन के अंदर यह चैतन्य रूपी अग्नि और अधिक और अधिक और अधिक जागृत हो, उसके लिए खूब खूब मंगल भावना। आज बस इतना ही। इस बार के सर्कल ऑफ मेडिटेशन में मैं आशा करती हूँ आप सभी तो होंगे ही, यहाँ जो लोग हैं कट, बहुत ही अद्भुत कुछ बातें होने वाली है जो तुम्हें बाद में जानते हो। ये सीडीज तो मिलती भी नहीं है, ये हमारे खाली स्टॉक में होती है कि नहीं, हाँ हमारे अपने रिकॉर्ड्स के लिए होती हैं पर YouTube पे नहीं आती। ध्यान साधना में हम इन ध्वनियों का उपयोग क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं, और कई बहुत ऊंचे ऊंचे महान लोग जो माने जाते हैं जो ध्यान में ज़्यादा रस भी नहीं रखते लेकिन ज्ञान के एंगल से काफ़ी ऊँचे हैं, काफ़ी लोगों से यह प्रश्न आ चुका है, यह शंका कि हम ध्वनि का उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो ध्वनि का क्या तात्पर्य है और यह ध्वनि यानी शब्द ब्रह्म हमें पर ब्रह्म से कैसे जोड़ने में मदद करता है, उसका पूरा साइंस हम इस बार के स्वयं में देखेंगे। तुम्हें और अधिक मज़ा आएगा कि क्यों इन ध्वनियों का सहारा लिया जाता है। कई बार ये ध्वनियाँ तुम्हें बाधक लगती होंगी, जब तुम बहुत शांत होने लगते हो ना तो तुम्हें कुछ म्यूज़िक बाधक लगेंगे, लेकिन जब तुम उसका साइंस समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए वो ब्रिज बन जाएंगे, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म तक पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इस टॉपिक को हम बहुत क्लियरली इस CUM में देखने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ कोई मिस मत करना, उसके कारण स्वराज क्रिया तुम्हारी और अधिक सटीक होगी। अभी कोई प्रश्न स्वराज क्रिया के लिए? नहीं, सो तो नहीं गए थे सारे? समझ में आ रहे हैं सारे चक्र? मैं इन चक्रों को नंबर दे दूं, क्योंकि मुझे भी पूरा बोलना ना बड़ा मुश्किल लगता है, मैं खुद भी क्रिया कर रही हूँ तो मुझे भी पूरा बोलना मुश्किल लगता है। 1 to 7 नंबर दे दें हम? ठीक है, इस बार CUM में हम नंबर दे देंगे तो ये हमारे लिए सबके लिए आसान हो जाएगा। आज बस इतना।